तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में जो है कांस्टेबल के लिए 583 पोस्टों की वैकेंसी फिर से आ चुकी है। इसका अप्लाई प्रोसेस क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, फी क्या लगेगा, आय क्या है, आयु क्या है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। यहाँ तक कि जो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दे देंगे। इससे क्या है, नोटिफिकेशन को सही से पढ़ने के बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो आपको सही लगे, यानी आपको लगे मैंने आपको सही जानकारी दिया है, तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक का चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको पता चला उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि झारखंड में कॉन्स्टेबल के लिए 583 पोस्टों की वैकेंसी आई है, इसे आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में किसी एक पे आ जाना है। आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करना है JSSC। JSSC लिख के जैसे सर्च कर लेंगे आपको फर्स्ट मेंशन कर रहा है होम झारखंड स्टेट सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर क्लिक करके आपको ओपन करना है। यहाँ पर ओपन होने के बाद इससे आप आज के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो कांस्टेबल के लिए जो झारखंड के से 583 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है, इसका फॉर्म किस तरह अप्लाई करें मैं सारा चीज़ बताऊँगा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे देखेंगे अप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करना। अप्लीकेशन फॉर्म जैसे देख लेंगे कि फर्स्ट नंबर पर अभी आ चुका है ऑनलाइन अप्लीकेशन 4JECCE 2023, इस पर क्लिक करके जो है अप्लाई नाउ पे आ जाना है। जैसे अप्लाई नाउ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके का ऑप्शन होगा, ओके कर लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इसका स्टार्ट दे सकते हैं कि जिसका स्टार्टिंग जो है 1/6/2023 से 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट 30 जून तक इसका लास्ट डेट है, उसके अंदर भी फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जान लेते हैं कि वाकई में है कि नहीं है 583 पोस्ट वैकेंसी है कि नहीं है। सबसे डाउनलोड जो है इस पर क्लिक करके आपको ओपन करना है। इस देखो नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, नोटिफिकेशन का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अप्लाई का लिंक दे देंगे। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन को आप सही से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे नीचे करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है शुल्क लगेगा, परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया लगेगा। परीक्षा शुल्क की छूट झारखंड के राज्य अनुसूचित जनजाति यानी कि झारखंड जो अनुसूचित जनजाति हैं उसे 50 रुपया फॉर्म लगेगा। अब रही बात पद की, आखिर पद टोटल पद कितना है, टोटल पद जैसे 583 टोटल पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है सारा चीज़ें मेंशन कर लिया गया है। अब योग्यता आपका क्या लगेगा रहेगा सारा चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। योग्यता आपका जो है भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी मैट्रिक पास हैं तो ही फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका वेतन क्या मिलेगा यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है। आपकी आयु की बात किया जाए थोड़ा सा जैसे नीचे करेंगे आपकी आयु की बात यहाँ पे कहा गया है, तो जैसे नीचे करेंगे जैसे मेंशन कर गया आपकी आयु जो है 18 वर्ष से लेके जो है यानी मेंशन कर गया 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। किस कैटेगरी में कितना छूट है आप देख लेंगे, जैसे अनुरक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग जो है उसे 25 वर्ष मतलब 25 साल है तो ही फॉर्म तक अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 27 साल और अनुसूचित जाति वालों के लिए 28 साल, अनुसूचित जनजाति वालों के 30 साल। अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना एज देख लेंगे उसके बाद ही फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। तो अब सब फॉर्म भरने का बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे पहले ऑप्शन का मेंशन किया अप्लाई नाउ पे, इस पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे यहाँ पे जैसे मेंशन कर दिया जो भी मंगा जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन होगा, लॉगिन में जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी फी लगेगा फी भरने के बाद जो है सबमिट कर देंगे। आई होप मुझे बताना था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है कॉन्स्टेबल के लिए 583 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है, इसमें एज लिमिट क्या है, फी क्या है, सारा चीज़ जानकारी मैंने दे दिया। अगर लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह का वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चला तो जानकारी ले पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ये वीडियो वैसे लोगों तक पहुँचा देंगे जो गाँव वगैरह में रहते हैं जिनको पता नहीं चल पाता कौन सा पोस्ट या कौन सा वैकेंसी आया है। और अगर जिन जो लोग कॉन्स्टेबल का वेट कर रहे थे वो लोग फॉर्म को भर पाएंगे, मेरा वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। मिलते हैं किसी और वैकेंसी के साथ, धन्यवाद।